नमस्कार मैडम, आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बीजेपी ने भी कमर कस लिया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देखिए किस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, साथ में नितिन नवीन है, बांकीपुर के विधायक हैं। इस वक्त हम बांकीपुर विधानसभा में खड़े हैं, जहाँ पर वो नितिन नवीन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ऐसे में पटना की जो मेयर हैं सीता साहू, वो भी साथ में मौजूद हैं, साथ में बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे में सियासी पारा बिहार का चढ़ चुका है। देखने वाली बात यह है कि रघुवर दास आ चुके हैं बिहार में, ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बिहार में एक तरफ जहाँ महागठबंधन है, वहीं दूसरी ओर क्या NDA के तरफ से भी मजबूती से जिसे डाउट ठोका जा रहा है, परिणाम क्या होगा देखने वाली बात होगी। झारखंड में भी इन नेताओं ने सर्वश्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, हेमंत सोरेन जी किस तरह वहां दिग्भ्रमित किया, मैं 2-3 उदाहरण सिर्फ देना चाहूंगा। इन नेताओं ने भी वहां वादा किया कि 1 साल में हम 5 लाख लोग को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी। कितने लाख वोट देंगे बोले? लेकिन 10 महीने हो गए सरकार को, 5 रोजगार भी गठबंधन की, ठग गठबंधन की सरकार ने नहीं दी। जिन नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, जो ग्रेजुएट होंगे उनको 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितना देंगे बोले? 5,000 की बात छोड़िए, 5 रुपया भी कोई भी। सबसे बड़ी बात जो पटना के परिवर्तन की बात है, मैं आज भी मानता हूं कि कभी पटना में कूड़ों का अंबार होता था, आज घर घर से अगर कूड़ा उठ रहा है तो ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको सीधा फायदा हमारे लोगों को मिला है। हमारे व्यवसायी जब परेशान होते थे हमारे पूर्व की सरकारों में, जिस प्रकार से व्यवसायियों से शोषण होता था, आज पिछले 15 वर्षों की सरकार में हम कह सकते हैं कोई भी व्यवसायियों से कोई लेवी नहीं लेता है, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, कोई भी सांसद हो, कोई विधायक हो। इस बात पर आपको जरूर गर्व होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में व्यवसायियों को सुरक्षा भी मिलती है और सम्मान भी मिलता है, ये निश्चित रूप से हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे थे पटना के बांकीपुर में, नितिन नवीन जो कि वहां के विधायक हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करने, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार ने खूब वादे किए हैं, पूरा अब तक कुछ भी नहीं किया है। आप चाहें तो फ़ोन करके पूछ लीजिए अगर आपके रिश्तेदार में कोई झारखंड में रहता है तो। ऐसे में क्या महागठबंधन जो दावे कर रहा है उसका बिहार में असर पड़ने जा रहा है, ये तो खैर 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।